जिस तरीके का बर्ताव केंद्र सरकार का आज सभी विपक्षी दलों के साथ है, ये बड़े खतरे की घंटी है और ये तानाशाही और डिक्टेटरशिप के संकेत हैं। इसी तरीके से डिक्टेटरशिप आती है, पहले अपने विरोधियों को कमज़ोर किया जाता है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनके खिलाफ़ प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि मैं ही भगवान का अवतार हूँ जिसको ईश्वर ने जो है हमेशा जो है राजा बने रहने के लिए भेजा है और इसलिए अब मैं राजा बन गया हूँ। तो ये जो है संकेत डिक्टेटरशिप के हैं और पूरा देश देख रहा है कि जो मंत्री इतना काम करता था, दिन रात काम करता था, दिन रात गरीबों के बच्चों को पढ़ाता था, आपने उसको झूठे मुकदमे के अंदर अंदर किया हुआ, ये गलत है और इसका जो खामियाजा है ये भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप लोग कहते रहे शुरू से कि जो कुछ भी हो रहा है प्रधानमंत्री के इशारे पे हो रहा है, सीबीआई ईडी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती है और फिर उसी प्रधानमंत्री को इसे लेकर पत्र लिख रहे हैं, तो इससे होगा क्या? देखिए क्या है कि हर आदमी की कॉन्शियस को जगाने के कुछ जो है प्रजातांत्रिक तरीके हैं। पहले क्या होता था कि धरना प्रदर्शन होता था, अब पार्लियामेंट के आसपास जो 144 लगा दी जाती है, प्रधानमंत्री आवास के आसपास के सभी रास्ते जो हैं बंद किए जाते हैं। तो कोई तरीका ही नहीं है कि आम जनता अपना रोष प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए। यही कारण था कि हजारों किसानों को जो है दिल्ली के बॉर्डर पे रोक दिया गया और 1 साल तक 700 लोग मारे गए, तब जाके जो है केंद्र सरकार को समझ में आया। तो ये पत्र जो है एक प्रजातांत्रिक तरीका है प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने के लिए कि लोग बहुत आहत हैं। 8 बड़े दलों के 9 नेता का इसमें नाम है जिन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी या जो भाजपा, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की ऑक्सीजन है। जब तक कांग्रेस है तब तक भारतीय जनता पार्टी को एक नैतिक हक है ये दिखाने का कि हम इनसे बेहतर हैं इसलिए हम जो हैं सत्ता में हैं। और कांग्रेस हमेशा, जब भी आप देखिएगा, जब पार्लियामेंट में अदानी साहब के नाम पे डेडलॉक हुआ तो कांग्रेस ही सबसे पहले टूटी और उसने बोला नहीं 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 पार्लियामेंट चलाना चाहिए। आज तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में शोर तो बहुत मचाती है भारतीय जनता पार्टी, मगर उनको कभी जेल में नहीं डाला, उनसे कभी जो है पूछताछ के लिए उनको हिरासत में नहीं लिया गया। ये सब क्या दिखाता है कि एक इंटरनल सेटिंग जरूर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कि यहां हम शोर जरूर मचाएंगे, एक दूसरे को जो है ताने जरूर मारेंगे, एक दूसरे के ऊपर राजनीति पूरी करेंगे, मगर हैं जो है हमारी एक सेटिंग है और उस सेटिंग के बाहर जो है हम नहीं जाएंगे। दूसरा बड़ा मुद्दा है जिस कि वहां पे मनीष सिसोदिया के वकील द्वारा कहा गया कि मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है कस्टडी में सीबीआई द्वारा, और लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया कि वो कॉपरेट नहीं कर रहे, नॉन कॉपरेटिव बिहेवियर है। देखिए ये बात अब सब लोग कहते हैं, प्रोसेस इज द पनिशमेंट, ये जो पूरा का पूरी कार्रवाई है यही सजा है, क्योंकि असली सजा तो अदालत देती है और वो तब दे सकते हो जब कोई चीज जो है साबित होगी। ईडी अपने 99% मुकदमों में कुछ साबित नहीं कर पाती। पिछले 8 सालों में ईडी ने जितने मुकदमे किए हैं उसमें 95% मुकदमे जो हैं अपोजिशन लीडर्स के ऊपर किए गए हैं। तो ये बात तो ईडी और सीबीआई जानती है कि इसमें सबूत नहीं है और इसमें कुछ साबित नहीं होगा, मगर क्या है कि बिना कुछ साबित किए ही किसी को कैसे जेल में रखा जाए। तो जो प्रोसेस है इसको इस तरह से बनाया गया और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में जबरदस्ती इस प्रोसेस को इस तरह से बनाया है, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें इस तरीके की रखी गई हैं कि साहब जिसके ऊपर आरोप है वो साबित करे कि वो जो है वो बेगुनाह है। वो कैसे साबित करेगा, वो तो कह ही रहा है कि वो बेगुनाह है, तो एजेंसी को साबित नहीं करना कि वो गुनाहगार है, ये आरोपी जो है वो साबित करे। अब वो साबित करने में समय लगेगा और उस समय तक जो है आप उसको प्रताड़ित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।